बहुत दिलचस्प ये चुनाव रहने वाला है, खासतौर पर ये देखते हुए कि पैंडेमिक के बाद, या कहना चाहिए पैंडेमिक के टाइम पर, कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और कई सारे सवाल कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी जी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। महाराजा अग्रसेन की समाजवाद की नीतियों का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए अग्रोहा विकास ट्रस्ट, आपको बता दें, लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में अग्रोहा धाम के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन अग्रोहा धाम में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में अग्रोहा विकास ट्रस्ट की तरफ से यूपी के अयोध्या में भी अग्रवाल भवन बनाया जाएगा। इसके लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने रूपरेखा भी तैयार कर ली है। हरियाणा के हिसार में अग्रोहा धाम के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। महाराजा अग्रसेन की समाजवाद की नीतियों का पूरे विश्व में प्रसार करने के लिए आयोजित हुए सम्मेलन में देश भर के प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। सम्मेलन में अग्रोहा धाम के विकास और अन्य राज्यों में अग्रवाल भवन निर्माण कराने के लिए पहले चरण में 125 करोड़ रुपए खर्च करने और राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ हर राज्य स्तर पर इकाइयों का विस्तार करने का निर्णय भी लिया गया। देश के कोने कोने में भवन बनाए जाएंगे, वहां पर भी करोड़ों रुपए की लागत से दिल्ली में भवन बनेगा, बम्बे में भवन कंप्लीट हो चुका है। राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करना है, पूरे देश के वह समाज को अग्रवा धाम के नेतृत्व में एक सूत्र में परोना का काम किया जाएगा। अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक महीने के अंदर अंदर राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर की इकाइयों का विस्तार कर दिया जाएगा, जिसमें सभी विकास कार्यों के लिए अलग अलग कमेटी का गठन किया जाएगा। एक अगले हफ्ते के अंदर अंदर राष्ट्रीय स्तर की और हर स्टेट के अंदर नई बॉडी का गठन शीघ्र ही किया जाएगा। अग्रोहा धाम मुंबई में करोड़ों रुपए की लागत से अग्रोहा विकास ट्रस्ट भवन व मंदिर बनाया गया है। इसी तरह दिल्ली भवन बनाने के लिए निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। अग्रोहा धाम में अग्र माधवी भवन का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही अप्पू घर का विस्तार भी किया जाएगा, जिसमें बच्चों के लिए कई नई राइड लगाई जाएंगी। पूरे धाम का सौंदर्यीकरण का काम जारी है। निर्माण में सहयोग देने वाले दानदाताओं के लिए 500 रुपए प्रति ईंट तय किया गया है, ताकि समाज का व्यक्ति अपने परिवार के नाम पर धर्म निर्माण में अपनी ईंट लगा सके। अग्रोहा विकास ट्रस्ट जल्द ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अग्रवाल भवन का निर्माण करेगा। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालु ठहर सकेंगे, जिसका फैसला अग्रोहा धाम के मुख्य संरक्षक और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा से विचार विमर्श के बाद विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। जो निर्णय हमारा है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करना है, पूरे देश के वह समाज को अग्रवा धाम के नेतृत्व में एक सूत्र में परोना का काम किया जाएगा और अग्रवा धाम के हमारे मुख्य संरक्षक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का हमेशा हर काम में विशेष योगदान रहा है। अग्रोहा धाम में 56 कमरे और 2 हॉल सहित ध्यान केंद्र भी बनाया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं के ध्यान केंद्र में रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम, म्यूजियम और एक साथ 400 व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था के लिए हॉल भी बनाया जा रहा है। कुछ पदाधिकारी हम नए बना रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय उप प्रधान है और महामंत्री है, कैशियर है, कुछ बाधाधारी नहीं बनाएंगे और 51 आदमी कमेटी होती है, 51 की हमारी कमेटी पूरी रहेगी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर का दौरा करके एक महीने के अंदर अंदर पूरे प्रदेशों की इकाइयों का पुनः गठन करेंगे। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि समाज की तरक्की, व्यापार को बढ़ावा देने और हर राज्य में अग्रोहा धाम की इकाइयों का विस्तार करने के लिए भी ट्रस्ट प्रयासरत है, ताकि सामाजिक हित के काम बढ़ चढ़ कर किए जा सके। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.